धन्यवाद जी। चलिए बिल्कुल, ब्रजमोहन जी बने रहे हमारे साथ, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और आपके पास क्या अपडेट? देखिए, राजभवन के बाहर इस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं, भाजपा के साथ समर्थन पत्र लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं। जो भाजपा के साथ जो समर्थन पत्र देना है वो समर्थन पत्र लेकर के यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और अब इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने नेता चुन लिया, ये उम्मीद की जा रही थी कि कौन नेता होगा। भाजपा ने भी एक झटके में फैसला सुना दिया कि हमारे नेता कौन कौन होंगे और अब नीतीश कुमार भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके हैं और राजभवन में इस वक्त राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जा रहा है। जो समर्थन पत्र भाजपा ने दिया है, जीतन राम मांझी ने दिया है, तो पूरा एनडीए के कुनवा का जो समर्थन पत्र है वो समर्थन पत्र लेकर के इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। इसके पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए थे, कयास भी यही लगाया जा रहा था, न्यूज 18 पर बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद समर्थन पत्र लेकर के जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अब एक बार फिर से नीतीश कुमार राजभवन, और राजभवन के बाहर की तस्वीर देखिए, गतिविधि है, गहमा गहमी है और बड़ी संख्या में। शैलेंद्र, क्या लगता है लगभग कितना वक्त लगेगा इस औपचारिकता में? और जैसे कि पहले जब वो इस्तीफा देने गए, बाहर आए तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, क्या अब जब वो सरकार बनाने की पेशकश करेंगे उसके बाद भी बातचीत संभव है? बिल्कुल, देखिए अब थोड़ा ही वक्त और है जब नीतीश कुमार समर्थन पत्र देकर जब बाहर वापस आएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और उत्साह है यहाँ के नेताओं में, जोश है, क्योंकि एक बार फिर से भाजपा और जदयू के लोग, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए तस्वीर है, उत्साहित भीड़ की तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्साहित है इस बात को लेकर के कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। और देखिए तमाम लोग जो हैं इस वक्त इस खुशी के माहौल में और इस बड़े सियासी उलटफेर के गवाह राजभवन गोलंबर पर एक बार फिर बन रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया था और इसी तरीके से नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को बदलते रहे हैं। आरजेडी के बाद अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार में, और यही समर्थन पत्र लेकर के इस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हैं राज्यपाल के पास। राज्यपाल को वो पत्र सौंप रहे हैं कि आखिर अब हम जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, उसके बाद अब यह एनडीए की सरकार के साथ हम हैं,